हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पनामा पेपर्स की चिंगारियां अभी बुझी नहीं है। ऑफशोर कंपनीज का मामला कई सियासतदानों को ले डूबा है और अब ICIJ की नई लीक्स पैराडाइज पेपर्स के नाम से जारी होने जा रही है। दस्तावेज खुद बोलेंगी। ICIJ डायरेक्टर जेरार्ड रॉयल का यह कहना है और पनामा पेपर्स की चिंगारियां अभी तक नहीं बुझ सकी हैं। 6 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स के नाम से जब ये लीक्स सामने आई थी, उसके बाद बहुत सारे सियासतदानों को ये लीक्स ले डूबी थी और इसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम शामिल थे। पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के सबसे बड़े नाम भी इसमें शामिल थे। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम भी इसमें शामिल था और नवाज शरीफ के तमाम बेटों का नाम भी इसमें शामिल था। और उसी के बाद एक सिलसिला चल निकला। देखा गया कि मुल्क भर में एहतजाज की एक नई लहर शुरू हुई। PTI की जानिब से एहतजाज किया गया और उसके बाद यह पनामा केस सुप्रीम कोर्ट गया और अब इसकी हियरिंग्स भी चल रही हैं। और अब ICIJ की नई लीक्स पैराडाइज पेपर्स के नाम से जारी होने जा रही हैं और 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स के नाम इसमें शामिल हैं। जारी ये लीक्स अब हो चुकी हैं, पैराडाइज पेपर्स के नाम से इनको जारी किया गया है। पनामा पेपर्स की चिंगारियां भी बुझ नहीं सकी हैं और ऐसा महसूस होता है कि पनामा पेपर्स के बाद अब ये पैराडाइज पेपर्स की दूसरी किस्त सामने आई है जिसमें 120 से जायद सियासतदानों के नाम और कई लीडर्स के नाम भी शामिल हैं। पनामा पेपर्स कई सियासतदानों को ले डूबा है और अब नई लीक्स पैराडाइज पेपर्स के नाम से जारी कर दी गई हैं। ये दस्तावेज खुद बोलेंगी। ICIJ के डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है 1 करोड़ से जायद कागजात का इजरा किया गया है और 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स के नाम इसमें शामिल हैं। गुज़िश्ता जो लीक सामने आई थी पनामा लीक्स के नाम से, उसमें भी बड़े बड़े नाम शामिल थे और पाकिस्तान का हुक्मरान खानदान भी उसमें शामिल था। और उसके बाद से एक देखा गया कि मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला अपोजिशन जमातों की जानिब से शुरू हुआ। उसमें भी बड़े बड़े सियासतदानों और बिजनेसमैन के नाम शामिल थे। कई सियासी जमातों के रहनुमाओं के नाम उसमें भी शामिल थे। और पनामा पेपर्स के बाद अब ऐसा महसूस होता है कि पैराडाइज पेपर्स में भी बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। 120 से ज्यादा सियासतदानों लीडर्स के नाम इसमें मौजूद हैं बताया जा रहा है। और ये चिंगारियां जो पेपर्स की लगी थी वो अब तक बुझ नहीं सकी हैं। और आपको यह भी बता दें कि ऑफशोर कंपनीज की वजह से जो सियासतदान जिनके सितारे गर्दिश में आ गए थे उन इस मामले को लेकर, अब ऐसा महसूस होता है कि कुछ मजीद सियासतदान भी इसकी लपेट में आएंगे और कुछ नए नाम भी इसमें शामिल होंगे। चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात हैं, यह बताया जा रहा है ICIJ के डायरेक्टर की जानिब से कि 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजात पर यह मुश्तमिल हैं और 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स के नाम इसमें शामिल हैं। ICIJ की नई लीक्स पैराडाइज पेपर्स के नाम से जारी हो चुकी हैं और इनके डायरेक्टर का यह कहना है कि दस्तावेज खुद बोलेंगी। ICIJ की नई लीक्स पैराडाइज पेपर्स के नाम से जारी की गई हैं। 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स इसमें शामिल हैं। 1 करोड़ से ज्यादा कागजात का इजरा यहां पर कर दिया गया है। पनामा पेपर्स की चिंगारियां जो कि अब तक बुझ नहीं सकी थी और अब एक और किस्त इसकी सामने आ रही है जो कि पैराडाइज पेपर्स के नाम से दस्तावेजात जारी हुई हैं, नई लीक्स हैं। और इन नई लीक्स से मुतालिक आज पूरा दिन ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि 11 बजे ये लीक्स मंजर यहां पर आएंगी और अब ये लीक्स जारी कर दी गई हैं। इसमें किस किस के नाम शामिल हैं आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में भी पता चल जाएगा। और बताया जा रहा है कि 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स इस में मौजूद हैं और अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टेलरसन का नाम भी इसमें शामिल है। दुनिया भर के बड़े बड़े नाम इसमें सामने आएंगे और पता चलेगा कि कौन कौन ऑफशोर कंपनीज रखता है और किसने कहां पर किस तरह से ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है। गुज़िश्ता जो लीक्स थी पनामा लीक्स, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में दुनिया के बड़े बड़े नाम सामने आए थे और कुछ ममालिक के वज़ीरे आज़म ने इस्तीफे दिए थे। बहुत सारे वजीरों को इस्तीफा देना पड़ गया था और पाकिस्तान में भी एक भौंचाल आ गया था जब अपोजिशन जमातों की जानिब से एक एहतजाजी तहरीक शुरू की गई और उसके बाद हुक्मरान जमात को घुटने टेकने पड़ गए। अभी अदालत में ये केस तो चल रहा है लेकिन साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को भी इसी सिलसिले में नाअहल करार दिया गया था जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। आज न्यूज़ की सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करेंगे। आसमा साहिबा, कहा जा रहा है कि 120 से ज्यादा लीडर्स और इनके नाम इसमें शामिल होंगे सियासतदानों के, तो एक और बड़ा भूचाल अब सामने आने वाला है।
जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अब जबकि पाकिस्तानी शख्सियात के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसमें शौकत अजीज साहब जो कि साबिक वजीर आजम है उनका नाम भी लिया जा रहा है मुबैना तौर पर अब तक, और इसी तरह से कुछ NICL के जैसे चेयरमैन से साबिक उनका नाम आ रहा है, तो बहुत सारे और नाम भी एक्सपेक्टेड हैं इसके अंदर। लेकिन जाहिर है कि जिस तरह मलका बरतानिया का आया या बाकी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं इंटरनेशनली, तो ये ऑफशोर कंपनियां नाजायज नहीं होती, उनमें पैसा किस सोर्स के जरिए से जाता है वो देखना जरूरी होता है कि क्या वो जायज है या नहीं है। और इसी तरह से आपको पता है पानामा लीक्स के दौरान भी हुआ था कि जब बहुत बड़े बड़े नाम आ गए थे और उसमें बहुत से लोगों ने जस्टिफाई किया और बहुत से लोगों ने रिजाइन किया, रिजाइन करके फिर वो वापस इलेक्ट होके भी आए, जैसे बड़ी शख्सियात की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि अब सबको साबित करना पड़ेगा। और ये भी देखना है कि पाकिस्तान में किस किस के नाम आ रहे हैं, मसलन ये कि कौन कौन से टेक्नोक्रेट, जनाब मुशर्रफ साहब के जमाने के जो वजीर आजम और वजीर खजाना थे जो टेक्नोक्रेट थे शौकत अजीज साहब, उनका नाम आया है। इसी तरह से अगर ये नियाजी साहब का है, इसी तरह से और भी बहुत से नाम अब धीरे धीरे निकलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा तूफान इसके ऊपर से इस हवाले से आएगा। ये भी याद रखिए कि पानामा के हवाले से जो 600 नाम आए थे पाकिस्तानियों के, उनमें से इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की ही हुई है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहाँ से कंपनियां बनाई और कैसे पैसे वहां पे रखे, ये एक बहुत बड़ा सवाल ताहाल मौजूद है और उनका एहतसाब ना हुआ है ना उनके हवाले से कोई कार्रवाई भी की जा रही है। सो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो पानामा के लोग थे वो भी जो सारे के सारे अफराद हैं और जो अब ये पैराडाइज जो पेपर्स आए हैं इनके अंदर जो नाम आ रहे हैं इनका एहतसाब कैसे होगा। मगर पूरी दुनिया में अगर आप इसको लिंक करें सऊदी अरब के साथ भी, जहां पे करप्शन के नाम पे बहुत सारे शहजादे और बहुत सारे लोगों को बरतरफ किया गया है, अगर आप उसको देखें और फिर इसकी टाइमिंग देखें पैराडाइज पेपर्स की और उसके साथ पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के अमल के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो देखें, तो ये एक बहुत ही कनेक्टिविटी इसके अंदर जरूर नजर आ रही है। आगे जाके ये मजीद इस्टेब्लिश भी हो सकती है कि ये एक ही वक्त के अंदर पूरी दुनिया में एहतसाब के नाम पे जो चीजें शुरू हो गई हैं इसका क्या एंगल निकल सकता है, क्या ये उस पूरी कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों के अंदर जो गुस्सा पाया जा रहा है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए और जो लूटी भी आमदनी है वो नहीं रखनी चाहिए, ये उसका एक जेन्युइन हिस्सा है या बाकायदा इसकी टाइमिंग को मुंतखब किया गया है ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो एहतसाब या जो करप्शन के खात्मे के हवाले से जो बात है वो की जाए। लेकिन कम अज कम मेरी हद तक मैं इसको सऊदी अरब वाले वाकये से और जो इंटरनेशनल जितने हालात हैं उनसे बिल्कुल जुदा करके नहीं देख रही हूँ। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी एहतसाब का नाम आ रहा है, तो अगर कहीं ये एहतसाब इस लेवल पे इतना तवील हो गया जैसे कुछ लोग कह चुके हैं, जैसे सिराजुल हक साहब ने कहा कि एहतसाब होना चाहिए और फिर इंतखाब होना चाहिए, तो ये मामला तौर तरफ भी जा रहे हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीजें हों। ठीक है, आसमान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, शौकत पराचा साहब ने भी ज्वाइन किया है, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं। शौकत साहब, अब ये जो नई लीक सामने आ रही है इसमें कौन कौन से बड़े नाम हो सकते हैं, अब तक कुछ नाम तो मंजर आम पर आ ही चुके हैं, आपके पास क्या इस बारे में अब तक इत्तलात हैं और आपका तबसरा और तज्जिया भी इस पर? देखिए, जो नाम कुछ चंद सामने आए हैं अगर इन्हीं को ही फोकस कर लिया जाए तो इवन देन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ी स्टोरी बनती है। मसलन शौकत अजीज का नाम आया है बड़ी देखभाल के और वो जिस तरह जजेज ने कहा था कि हीरे तलाश करके आया लाया जाएगा, तो ये भी एक हीरा लाया गया था मुल्क में और उस हीरे का नाम भी आज आ गया चुप करके, जिस तरह से पाकिस्तान में उस बंदे ने लूट मार की और फिर चुप करके चला गया। मुझे बिल्कुल याद है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बना और फिर वजीर आजम बनाया गया, जिस तरह से कार्टलाइजेशन हुई इस मुल्क में, उस कार्टलाइजेशन की वजह से उसी वक्त हम तो कहते थे कि ये मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है और वही अब नजर आ रहा है। स्टॉक मार्केट वही कराची में क्रैश हो जाती थी हर दूसरे महीने और 35 अरब रुपए वो उसके निकल आते थे और वही लगता है पैसे से शौकत अजीज को लेके चला गया। और आजकल भी जो मुल्क में एक डिबेट चली हुई है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बने या कौमी हुकूमत बने, तो आजकल तो या कोई भी जमहूरी हुकूमत हो तो पूछ गछ हो जाती है, सवालात पूछ लिए जाते हैं और ट्रायल भी कर लिए जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के लोग आके रूल करते हैं, वो चाहे मीन कुरैशी हो या शौकत अजीज हो या इनके सार्थ बैंड वैगन पर आने वाले और भी बहुत सारे लोग थे,
कुछ और भी, जैसे हफीज शेख साहब एक आए थे वो भी फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, इस तरह के लोगों को उन्होंने क्या किया मुल्क के साथ या मुल्क के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट क्या करके गए। अब इस तरह के पेपर आ रहे हैं, इस तरह के पेपर और भी आएंगे, क्योंकि वो जिस डेकेड की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े फख्र से कहा जाता था कि जितना पैसा आप मुल्क से बाहर लेके जाना चाहते हैं आप ले जाए, लिक्विडिटी की कोई कैद नहीं थी। यानी वो ये था कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टर जो है वो जितना पैसा बाहर लेके जाना चाहे लेके चले जाए। अब उसकी आड़ में बहुत सारा पैसा बाहर गया, जिस जिस मुल्क में ये पैसा खर्च हुआ या ऑफशोर कंपनी बनी, तो पता नहीं कौन सा दिन आएगा कि जब जिन जिन लोगों के नाम जहां जहां पर आ रहे हैं सबके खिलाफ तहकीकात हो। और कोई ये नहीं कहता कि किसी के खिलाफ ना हो, बल्कि हम तो कहते हैं कि सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, सब ये जो नकाबपोश है इनका चेहरा सामने आना चाहिए। और इस मुल्क की लूटी हुई दौलत या लूटी हुई ना भी सही, फर्ज किया अगर प्रॉपर चैनल के जरिए लेके गए, यही हमारे मुल्क में इन्वेस्ट होती, यहाँ फैक्ट्रियां लगती, यहाँ रोजगार के मौके खुलते, यहीं पर तरक्की होती। और दूसरे मुल्कों में अफ्रीका तक तो हम सुनते हैं कि किसी ने शुगर मिल लगाई है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई पाकिस्तानियों की, मिडिल ईस्ट में जो प्रॉपर्टी दुबई में नहीं खुलती है वह पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो यही इन्वेस्टमेंट अगर मुल्क में हो जाती, यही इन्वेस्टमेंट रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती, तो आज बेरोजगारी की शरह और नौजवानों में मायूसी भी ना होती। लेकिन यही चीजें जो सामने आ रही हैं, इसी तरह के नाम सामने आते रहेंगे। ठीक है, शौकत साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आसमा साहब, आप कह रहे थे कि कुछ जो ऑफशोर कंपनीज होती हैं वो लीगल भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती की ये बात है कि जितनी भी ऑफशोर कंपनीज सामने आई हैं उसमें ज्यादातर ज़ाहिर इलीगल ही हैं। जब ये एहतसाब का अमल शुरू भी हुआ, लेकिन एहतसाब भी अब सिर्फ हुक्मरान खानदान का हो रहा है, जो दीगर नाम इसमें शामिल थे उनको तो अब यहाँ पर सभी तकरीबन भूल चुके हैं, उनकी कोई बात ही नहीं करता है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है एहतसाब तो सबका होना चाहिए, और चूंकि हुक्मरान खानदान पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे लिहाजा उनका एहतसाब पहले होना चाहिए था, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो और वो हो भी रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि जो 600 बाकी लोग थे या 500 बाकी लोग थे, उनको उनकी पैसे उनके कहाँ से आए थे और वो कैसे पाकिस्तान से बाहर गए, और वो उनकी जायज आमदनी थी कि नहीं थी, और वो टैक्स जो पेयर्स हैं उनकी लूटी हुई आमदनी तो नहीं लेके गए थे। तो ये इन्वेस्टिगेशन तो बहरहाल ये बनती है और होनी करनी पड़ेगी। और अब जो नए नाम आ रहे हैं उसके अंदर भी जो अफराद के नाम आ रहे हैं उनकी किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी, और पाकिस्तान की अदालतों के, आपको मालूम है कि एक जज साहब का नाम भी था जो कि सिटिंग जज थे, और उसके बाद उनका नाम आया था और उसके बाद शायद उन्होंने रिजाइन किया या छुट्टी पे गए, कुछ इस किस्म की खबर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ उसके बारे में। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे शोबों के लोग थे जिनके नाम आ रहे हैं और आए हैं और आएंगे आगे भी, जिस तरह के ये पेपर सामने आ रहे हैं। ये मसला सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिलेक्टिव जस्टिस की हम बात करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो चंद लोग हैं उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि सभी ने पाकिस्तान को लूटने की कोशिश की है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं, उसमें जज भी हैं, जर्नैल भी हैं, उसमें बहुत सारे सियासतदान भी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन सबका एहतसाब होना चाहिए। बाकी रही बात ये कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मैं इसको बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा कि वर्ल्ड वाइड फिनोमेना इसको देख रही हूँ, और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कतई तौर पर जो है वो अलग नहीं किया जा सकता जो कल सऊदी अरब के अंदर हुआ है, और जो इससे पहले पानामा पेपर्स के बाद फिजा बनाई गई पूरी दुनिया के अंदर करप्शन के हवाले से, और खास करके जो ऑफशोर कंपनीज है उनके हवाले से। तो ये इसको उस तनाजुर में जरूर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो भौंचाल आना था वो भौंचाल आ चुका है, क्या पाकिस्तान शौकत अजीज साहब को वापस ला के उनका एहतसाब करेगा, उनसे पूछेगा कि आपने जो एक फर्जी किस्म के फिगर्स बनाए थे 7.6 और मुशर्रफ साहब के, जी इतनी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो तरक्की कर गई, एक डैम नहीं बना, बिजली का एक यूनिट पैदा नहीं किया, आटे का क्राइसिस रहा, चीनी का क्राइसिस रहा, हर तरह का क्राइसिस जो है उस दौर में रहा, और 9/11 के बाद जितना पैसा पाकिस्तान के अंदर आया वो पैसा पाकिस्तान में लगा किधर है,
ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, उस पूरे दौर के बड़े सवालात हैं। अगर आप देखें कि उस जमाने के अंदर जो शौकत अजीज साहब का जो नाम आया है, ये खाली शौकत अजीज थोड़ी होंगे, ये इनके आए इनके दाएं बाएं इनकी बगल वगैरह में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है और वो बाहर बैठ गए, उसके बाद तो उनको कोई बुला नहीं सकता। इसी तरह के टेक्नोक्रेट्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि अपने ऊपर ऊपर से चीजों को ठीक करते हैं और उसके बाद ब्रीफ केस उठाते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान को जो है वो देखनी है और करनी है और इदारों को भी करनी है और देखनी है। ये नहीं कि जो यहाँ पर रह गया, जो जिनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ जिनके लोग हैं, जहाँ पे जो खानदान यहाँ बैठे हुए, सिर्फ उनका एहतसाब किया जाए, सबका एहतसाब जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, सबका एहतसाब करना पड़ेगा पराचा साहब, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? अब कौन शौकत अजीज साहब को वापस लाएगा और उनसे पूछेगा कि ये ऑफशोर कंपनीज उनकी जानिब से कैसे बनाई गई, उनका नाम इसमें कैसे आया? चूंकि यहाँ जो अभी तक एहतसाब हो रहा है वही इतने शदीद एहतजाजों के बाद एहतसाब शुरू हुआ, पनामा पेपर्स के बाद पीटीआई ने और बाकी जमातों ने मिलकर एहतजाज किया, इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद ये केस अदालतों तक गया और अब भी वो केस जाहिर भी चल ही रहा है, उसका कोई ऐसा अभी तक बड़ा कोई फैसला नहीं सामने आ सका है। तो कैसे मुमकिन होगा कि शौकत अजीज साहब को या जो दीगर नाम इसमें सामने आएंगे उनको एहतसाब के कटहरे में लाया जाए, जबकि दीगर मुल्कों में तो हमने देखा कि कई वजीरों ने भी इस्तीफा दिया, एक दो ममालिक के वज़ीरे आज़म तक मुस्ताफी हो गए पनामा पेपर्स में नाम सामने आने के बाद। देखिए, लीगल प्रोसेस और लीगल प्रोविजन तो मौजूद है, मसलन अगर आप इधर से कुछ लीगली इनिशिएट करते हैं तो दुनिया का फोरम है बकायदा, इंटरपोल मौजूद है वहां पर, फौज तो नहीं आई ना पाकिस्तान में भी एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाने के लिए, आपके सामने है, लॉकडाउन होना था, एक पॉलिटिकल मूव थी, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया और फिर पिटीशन गई, ये मुल्क के नॉर्मल कानून के तहत हुआ है, कोई वहां पर समरी ट्रायल कोर्ट नहीं बनी पाकिस्तान के लिए, इसी नॉर्मल प्रोसेस के जरिए जो लीगल प्रोविजन अभी भी पाकिस्तान के स्टैट्यूटरी लॉज है उन्हीं के अंदर ये सारा कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 दिन हेयरिंग की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही जेआईटी बनाई, फिर जेआईटी उसी कानूनी तरीके जो लेट डाउन लीगल प्रोसेस है उसी के तहत काम करती रही है और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच और 5 रुकनी बेंच ने मुल्क के एक अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिसीट किया और वो प्राइम मिनिस्टर चले भी गए, उन्होंने उसी वक्त अपना काम छोड़ दिया, उसी पार्टी ने अपना दोबारा वजीर आजम मुंतखब कर लिया, तो एक जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं और बैठा है। आप लीगल प्रोसेस इनिशिएट तो करें, सबसे बड़ा अब सवाल ये होगा कि क्या वो लाडला वजीर आजम जिसको स्पेशली लाया गया था, वो लाडले वजीर आजम के खिलाफ कोई प्रोसेस शुरू हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा बहुत सारे लोगों के लिए, वो पहले प्रोसेस में बड़े खुश रहे, अब इस प्रोसेस से उनका क्या रद्द अमल आएगा, लेकिन टू मेक सम यू नो बेनिफिट्स के चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ प्रोसेस शुरू हो चुका है 2005 में जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ, फिर उस वक्त की पोलिटिकल कंपल्शन हम आप तो यही कह सकते हैं ना कि 2002 में वो रोक दिया गया क्योंकि वो सारे जरा थोड़े मुशरफ की बैंड वैगन पे सवार हो गए थे, अब उनकी अभी परसों यानी मंगल के रोज उनकी पेशी है, वो जा सकते हैं, तो शौकत अजीज क्यों नहीं, उसके खिलाफ आप एक प्रोसेस तो इनिशिएट करें, आप एक रूलिंग लें, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नैब के जरिए उनसे एक आप स्टेप्स लें और फिर आप भेज दें FIA के जरिए इंटरपोल को, अगला केस लड़े वहां दुनिया के सामने बैठ के, एक आदमी जो पाकिस्तान को कंगाल बना के चला गया पाकिस्तान के लिए, मुझे तो याद है वो एक लम्हा जब शौकत अजीज वजीर आजम बन रहा था, शौकत अजीज के इकदाम आते थे और वो नतीजा आज सामने आ रहा है कि मसूख ने भी अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई थी, अगर लॉ अप्लाई करना है तो इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होती है, फिर ये नहीं हो सकता कि यहाँ जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बैठे हैं आप उनके लिए तो क्योंकि वो मुल्क में ही है उनको इधर उधर से घेर के सामने ले आना, जो बाहर बैठा है उसके लिए भी लॉज है, उसके लिए भी आपके पास इनिशिएटिव है, आपके पास तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लेके जो देखे आगे फिर देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, तो आसमा साहब क्या जरूरी है, कवानीन तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमेशा इस बात की जरूरत पड़ती है कि उन कवानीन पर अमल करने के लिए या जो हुकाम एक्शन लेने वाले उनको जगाने के लिए कोई एहतजाजी तहरीक ही चलाई जाए? क्या एक बार फिर हम वही मनाजिर देखेंगे कि पीटीआई या कोई और सियासी जमात सड़कों पर निकलेगी और पहले पनामा लीक्स के खिलाफ एहतजाज किया जाता था, पैराडाइज लीक्स के खिलाफ एहतजाज होगा, या एहतसाब का जो अमल है वो कुछ बेहतर होता आपको दिखाई दे रहा है मुस्तकबिल में हमारे मुल्क में? देखिए एहतसाब का अमल तो जब बेहतर हो सकता है, अगर कोई इस तरह के इदारे जो कि बायस्ड ना हो, जिनका पर्पज सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को निकाल के और उनको जो मिलाइन करना है वो ना हो। मसलन नैब के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं और नैब के ऊपर बड़े जेन्युइन क्वेश्चंस भी हैं, खुद नैब के अंदर जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कई इल्जामात हैं, तो ये तो जो इदारा ही जिसके इदारे के ऊपर ही लोग सवाल उठा रहे हो क्या एहतसाब कर सकेगा। अलबत्त अब जाहिर है कि जावेद इकबाल साहब आए हैं और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत भी हैं और बहुत स्पीडअप भी हुआ है काम, तो हो सकता है कि वो एक बेहतर जो काम है वो कर सकें एहतसाब के हवाले से, या जो करप्शन का खात्मा है या जिनके ऊपर इल्जाम है, जैसे भी फराज साहब ने कहा कि परवेज इलाही साहब को भी बुला लिया गया, शुजात हुसैन साहब को बुला लिया गया, देखना ये कि क्या एहतसाब एक मतलब फिर एक कोई नई पार्टी बनाने के लिए तो नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि 2002 के अंदर भी बहुत सारे केसेस बनाए गए, 2000 में जब मुशर्रफ साहब इक्तदार में आए और उन्होंने नैब बनाया और उसके बाद फिर बहुत सारे इदारे के जो लोग थे वो सियासतदानों को ब्लैकमेल करने लग गए और उसके बाद फिर एक पार्टी सामने किंग्स पार्टी बन के आ गई। तो ये भी देखना है कि इस दौर में एहतसाब को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और पाकिस्तान में तो एहतसाब हमेशा से जमहूरियत के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये अब की बात मैं नहीं करी, मैं अब की बात बिल्कुल नहीं करी, लेकिन पिछले जमानों के अंदर जो है वो इसी तरह से पाकिस्तान की तारीख जो है वो भरी पड़ी है। तो देखिए अब देखता ये है कि क्या अब फिर एहतसाब पहले होगा और इंतखाबात में होगा, या फिर ये है कि इंतखाब के साथ साथ एहतसाब होगा, या फिर ये कि एहतसाब ही होगा और कुछ नहीं होगा, या फिर ये कि इंतखाब होगा। तो ये तो बहुत ही सूरत हाल जो है वो अजीब सी हो गई है, और जो आज के जो पेपर्स हैं, तो शायद मैं जो अभी तक जो नाम देखते हैं मुझे नहीं मालूम कि कल तक क्या कौन कौन से और नाम आ जाएंगे, अभी तक तो मुझे कोई ऐसा बड़ा नाम पाकिस्तान में सिवाय शौकत अजीज साहब के नजर नहीं आया कि जिनके ऊपर पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं जैसे मियां साहब की फैमिली के बाद हिल गई थी वो हिल जाए, तो ऐसा तो मुझे अब तक नजर नहीं आया। अगर कल तक कोई और चीज ना आए, और अब किसका नाम आएगा, हो सकता है जरदारी साहब का आ जाए, हो सकता है किसी और सियासतदान का आ जाए, अगर सियासतदानों के नाम आते रहे तो फिर तो शायद बुनियादें हिल जाए, लेकिन अगर इसी तरह के लोगों के जैसा शौकत साहब है इनके नाम आए तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर इसी तरह से मामला चलते रहेंगे और कोई एहतसाब नहीं हो सकेगा। तो ये तो फिर कल की बात हो जाएगी जो कल होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है इसको शफाफ बनाने की और इसके अंदर जो फेयर ट्रायल है वो लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कल को कोई ये नहीं उंगली उठा सके कि जो एहतसाब हुआ था उसका पर्पस कुछ और था। ठीक है, लेकिन पराजय साहब जाहिर है एहतसाब करना हुकूमत का ही काम होता है ना, हुकूमत ही इनिशिएटिव ले और एहतसाब और जितने भी कौमी इदारे होते हैं वो तो हुकूमत के अंडर में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हुकूमत सही तौर पर काम नहीं कर रही होती है, खुद करप्शन में मुलविस हो जाती है, तो अपोजिशन जमातों को सामने आना पड़ता है और एहतसाब के लिए फिर दीगर दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि अब हुकूमत तो इस वक्त खुद इतनी मुश्किल में है, जाहिर है अपनी आपस की उनकी मशावरत चल रही है, पनामा पेपर्स का केस किस तरह से इस वक्त वो डील करें उस बारे में उनकी ज्यादा तवज्जो है, तो आपको लगता है कि अब जो दीगर जो नाम आएंगे, जो पनामा लीक्स के पहले से जो नाम आए हैं सामने, उन पर हुकूमत भी कोई तवज्जो देगी उनका एहतसाब करने पर? देखिए हुकूमत तवज्जो दे ना दे, हुकूमत से हट के जो पिछला ये डेढ़ साल हमने गुजारा है, तो अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने खुद किया है तो ये भी अजीब सी बात होगी, क्योंकि यहाँ तो यही एतराजात चलते रहे कि हुकूमत रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। जो इदारे होते हैं इस तरह के काम करने वाले, वो इदारे मौजूद हैं, और ये भी नहीं है कि वो इदारे बेकार हैं या उनमें बैठने वाले सारे अफराद एक जैसे हैं जो इनकॉम्पिटेंट हैं या कॉम्प्रोमाइज हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी जेआईटी ने जो काम किया और फिर जिस एविडेंस पे, जिस प्रूफ पे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो भी तो किसी इन्हीं इदारों के अफराद ने ही किया। तो इदारे मौजूद होते हैं, हुकूमतें कंप्रोमाइज हो सकती हैं, हुकूमतों को इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये एक कंसिस्टेंट अमल होता है। उस अमल में मसलन सिराजुल हक ने, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक पिटीशन दी है, टेकअप होनी चाहिए ना, कि एक शख्स का एहतसाब हो गया या एक खानदान का हो गया जिसका नाम पनामा लीक्स में आया था,
बाकियों के बारे में क्यों भुला दिया गया बाकियों को कि उनका भी एहतसाब करना है। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब नैब के चेयरमैन एक फॉर्मर ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। आई होप के इस हवाले से नोटिस लिया जाएगा, क्योंकि नैब कवानीन के मुताबिक अगर कोई दरखास्त भी किसी के बारे में दे दे या खुद नैब के नोटिस में कोई चीज आ जाए तो नैब एक्टिव हो जाती है। यही वो नैब है ना जो उसी दौर में बनाई गई थी और जिसके बारे में तारीखें भी वो खुद किया करते थे उस वक्त के हुक्मरान जब ये बनाई गई थी कि ये एहतसाब का इदारा है, ये करप्शन खत्म करेगा, ये मुल्क में शफाफियत लाएगा, ये लूटी हुई दौलत को वापस लाने में अपना किरदार अदा करेगा। तो अब टेस्ट तो इदारों का है, हुकूमत अगर अपने मसाइल में घिरी हुई है, हुकूमत अगर इनिशिएटिव नहीं ले सकती तो वही इदारे जो पिछले इसी एहतसाब जो साल डेढ़ में हुआ है उसमें जो स्टेप्स लेते रहे वही इदारे जरा इधर स्टेप्स लें और इस जो जिनका नाम अभी आ रहा है या जो आ रहा है उनके हवाले से जरा इनिशिएटिव लें और वापस लाएं, वो दौलत भी वापस लाएं जो पाकिस्तान से बाहर गई थी और जो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए उस वक्त की पॉलिसीज बनाते रहे। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाया करती थी, दूसरी एग्जांपल मैंने दी इस मुल्क में कार्टलाइजेशन कर दी गई, वो कार्टल्स आज तक वो जब चाहें जो चाहें वो जहां चाहें ब्लॉक करके रख देते हैं चीजों को, और थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन हवाले से। ठीक है पर अच्छा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन्वेस्टिगेशन जा रहे हैं, इन हवालों से भी होनी चाहिए। आसम साहब, जब 2016 में पनामा लीक सामने आई थी, अगर उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब खुद समेत बाकी लोगों को भी एहतसाब के लिए पेश होने को कहते और उसी वक्त वो कोई ऐसा कमीशन बना देते अपोजिशन के एहतजाज के बगैर, तो जाहिर है कि हम आज ये बात ना कर रहे होते और बड़ा इत्मीनान इस वक्त हमें होता कि अगर कुछ लोगों के नाम सामने आ भी जाएंगे तो उनके खिलाफ तहकीकात होंगी, जिनकी ऑफशोर कंपनीज लीगल होंगी उनको क्लियर कर दिया जाएगा और बाकियों को जाहिर है उसी हिसाब से उनका एहतसाब होगा और सजा होगी। लेकिन उस वक्त जाहिर है कि वो इनिशिएटिव नहीं लिए गए 2016 में और इसीलिए आज हम ये बात कर रहे हैं कि अब इदारों को जाहिर है अपना काम करना पड़ेगा, चूंकि हुकूमत तो उनका है तो वो हुकूमत के मातहत, लेकिन हुकूमत उन्हें इनिशिएटिव नहीं देती कि जी आप ये एहतसाब इस तरह से शुरू करें। देखिए बिल्कुल, वो तो उनको करना तो बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन जो जो बाद में भी हुआ है वो भी ठीक हुआ है। देखिए मैं तो इसके दूसरा जो पहलू है वो बहुत रोशन देखती हूँ पाकिस्तान के अंदर। ये कभी नहीं हुआ था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की को इस मामले के ऊपर नाहिल करार दिया गया कि उसने अपनी चीजों या अपनी दस्तावेजात जो है उसके अंदर सच नहीं बोला या अपनी चीजें जो है वो छुपाई हैं या अपने असासे छुपाए हैं या पनामा के अंदर उनका नाम आया। बहुत सारी वजूहत, बहुत सारी रीजन उसके अंदर शामिल हुई है और पनामा की वजह से शामिल हुई है और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत बरतरफ हुई, उनकी पार्टी की हुकूमत आई और फिर वो प्रोसेस चल रहा है अभी भी और एहतसाब हो रहा है और तमाम इदारे इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और जो नैब है वो सब मिल के जो है वो एहतसाब कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक तो ये एक पॉजिटिव बात ही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिरेल नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमत भी काम कर रही है उसी पार्टी की जिनके सरबरा को जो है वो नाहेल करार दे दिया गया और उनका नाम पनामा पेपर्स के अंदर भी था। सो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब जो पेपर्स अभी लीक हुए हैं, जिस तरह की खबर आई है एक NICL के हेड के जो उनकी न्याजी साहब का नाम आ रहा है, मेरे लिए ये बात परेशान कौन होगी क्योंकि ये वो दौर है कि जिसमें न्याजी साहब अगर जब चेयरमैन थे तो बहुत सारी जो पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं बहुत सारे इल्जाम इस इदारे के ऊपर लगते रहे हैं कि इंफॉर्मेशन और डाटा वगैरह जो शेयरिंग है उसके हवाले से बात हुई है। तो अगर तो इस मामले के ऊपर वो उनका नाम आता है और बहुत सारे और लोगों का नाम आता है जो कि इस रैकेट के अंदर होंगे तो ये बड़ी खौफनाक चीजें इसके बाद सामने आ रही है और फिर अगर देखा गया है पाकिस्तानियों के शनाख्त को भी तो फिर तो एक और बहुत बड़ा स्कैंडल होगा और फिर उसको किस किस जगह पे ऐसे कैसे इस्तेमाल किया गया होगा ये एक अलग बात है। ये हम बिल्कुल इस वक्त कब बहुत कम इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करें, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो उस इदारों के सरबराहान के हवाले से या उस शख्स के नाम के हवाले से हम कर रहे हैं जिसका के नाम अब तक आ चुका है कि उनको उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई। और जाहिर है कि जब कोई चेयरमैन होता है तो वो उस वक्त कैसे ऑफशोर कंपनीज बना सकता है जबकि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए और किस तरह से एक मुलाजिम जो है ये सरकारी अफसर जो है वो अपनी तनख्वाह के अलावा अपने जो जायदाद है वो बना सकता है। तो ये तो मुझे कोई बहुत बड़े जो एक कह सकते हैं स्कैंडल या बहुत बड़े किसी
रैकेट का हिस्सा ये नजर आ रहा है ये मामला, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत हौलनाक खबरें भी ला सकता है कि क्या हुआ होगा। पाकिस्तान के बारे में हौलनाक खबरें भी सामने आ सकती हैं, जो कि बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। 120 नामों की ये फहरिस्त है और अभी ये फहरिस्त मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आई। आसमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आज न्यूज़ की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, 120 से ज्यादा सियासतदान और लीडर्स के नाम अब इस पैराडाइज पेपर्स में सामने आने वाले हैं, बड़े बड़े नाम होंगे, एक बार फिर हम ये तवक्को कर सकते हैं कि सियासत में एक बार फिर वही भूचाल आ जाएगा जो कि 1.5 साल पहले अप्रैल 2016 में आया था। जी, इसमें सबसे पहले तो ये चीज वाजे कर देना बहुत जरूरी है कि ऑफशोर कंपनी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि नेसेसरली या प्रीडोमिनेंटली वो जो पैसा एक्वायर किया गया है वो गलत तरीके से एक्वायर किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि उस पैसे का ट्रेल देना उस बंदे पर फर्ज होता है कि जो पैसा उसने ऑफशोर कंपनीज में स्टैश किया है वो उसने कमाया कहाँ से था। अगर वो ट्रेल नहीं दे पाता तो फिर डेफिनेटली उस पैसे के सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से सवालात और शुभात का इजहार भी किया जा सकता है। सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ऑफशोर कंपनीज का मतलब ये नहीं होता कि नेसेसरली एंड प्रीडोमिनेंटली वो पैसा गलत तरीके से ही कमाया गया होगा। लेकिन पानामा पेपर्स ने जिस तरह तहलका मचाया, नवाज शरीफ साहब की फैमिली, नवाज शरीफ साहब खुद उसका शिकार बने। अब देखिए, पाकिस्तान के ये दूसरे वजीर आजम हैं, एक वजीर आजम को तो पानामा पेपर्स ले डूबा, ये दूसरे साबिक वजीर आजम होंगे शौकत अजीज साहब के, जिनका नाम अब पैरालाइज पेपर्स में सामने आया है। अब शौकत अजीज साहब की मैं सुन रही थी और पढ़ भी रही थी कि उनके जो इनिशियली स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई है, उनका कहना ये है कि मैं चूंकि सेटलर था पाकिस्तान में तो इसलिए मुझे ये ट्रस्ट डिक्लेयर करना जरूरी नहीं था अपने नामजदगी के पेपर्स में या अपने जो भी उन्होंने सबमिट करते हैं वेल्थ वगैरह की तफसीलात FBR में, इलेक्शन कमीशन में। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा जाए तो फिर हसन और हुसैन नवाज जो कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है वो भी यही स्टैंड रखते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो हम पे पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते। तो अगर उन पर पाकिस्तान के कानून लागू किए जा रहे हैं तो शौकत अजीज, लेकिन गरीदा दोनों में फर्क ये है कि जाहिर है शौकत अजीज ये कह सकते हैं कि पैसा तो उन्होंने कमाया, जाहिर है कि उनका एक एक्सपीरियंस और जो उनकी बाहर जॉब्स हैं उसके थ्रू कमाया, लेकिन हसन और हुसैन का केस थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने पैसा कमाया कहाँ से, उनके पास ये पैसा कहाँ से आया। देखिए, हसन और हुसैन नवाज साहब को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग भी अपना जो ट्रेल बताते हैं वो बाहर की जायदादें बताते हैं, वो जिद्दा की फैक्ट्री बताते हैं, वो दुबई वगैरह, कतर वगैरह वहां का ट्रेल देते हैं। वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान से पैसा गया था, वो बाहर के पैसे को ही कहते हैं कि बाहर का पैसा बाहर ही रह गया था और वहीं से इन्वेस्टमेंट फिर लंदन में हुई थी। ये बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी। जो शरीफ फैमिली का मकसद है, जो शरीफ फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा नहीं गया, हमारी अपनी जायदादें थी बाहर जो कि हमने बेच के और वो सेटलमेंट करके फिर बाहर ही लंदन में किया। तो शौकत अजीज साहब का भी अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने बाहर के पैसे से ही कमाया है और वो सेटलर थे इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। अब इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन ये कि जो पैसा उन्होंने अपने इस ट्रस्ट में लगाया है, एंटार्क्टिक ट्रस्ट में, वो पैसा कहाँ से आया था, क्या वो वाकई बाहर वाला पैसा था, क्योंकि वो ट्रस्ट तो उनका कायम रहा मुसलसल 2016 तक और इस दौरान वो वाला पैसा भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं गया होगा जब वो पाकिस्तान में थे, जब वो वजीर खजाना थे, जब वो वजीर आजम थे। ऐसा तो नहीं था कि उस वक्त उनके पास पैसा नहीं होगा या उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होंगे, उस वक्त भी होंगे। तो अगर आपकी ये बात सामने रखी जाए कि शौकत अजीज साहब कहते हैं कि मैंने पैसा बाहर से कमाया और बाहरी ट्रस्ट में डाल दिया, लेकिन 1950 से 2016 तक का पीरियड है और इस पीरियड के दौरान वो पाकिस्तान भी आए थे, उनकी फैमिली भी पाकिस्तान आई थी, उनकी कमाई का जरिया एक पाकिस्तान में भी था, चाहे वो कुछ अर्से के लिए था फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एटलीस्ट उसका जो है हिसाब देना पड़ेगा। सही। दूसरी बात ये कि उनके जो फैमिली है उसने भी डिक्लेयर नहीं किया, उससे उनका कहना है कि वो बेनिफिशरीज हैं, वो बेनिफिट ओनर नहीं है। तो ये मामला जाके कनेक्ट होता है मरियम नवाज साहिबा से, वो भी यही कहती हैं कि जी वो बेनिफिशरी थी, बेनिफिशियर ओनर नहीं थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपने एक वजीर आजम के खिलाफ तो, नवाज शरीफ के खिलाफ तो आपने केसेस खोल रखे हैं करप्शन के, तो क्या दूसरे वजीर आजम, दूसरे साबिक वजीर आजम के खिलाफ भी उन्हीं पैरामीटर्स के तहत अब तहकीकात होंगी, क्या इस पर कोई पिटीशन जाएगी किसी भी अदालत में, कौन लेकर जाएगा ये देखना पड़ेगा, या इसमें विफाक फरीक बनता है या किस तरह से, या नैब इस पर खुद अब खुद नोटिस लेती है। अब नैब जिस तरह से एक्टिव हुई भी है, चौधरी बरादरान को उसने तलब कर लिया है, अलीम खान साहब का मामला जो है वो खुल गया है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि पैराडाइज पेपर सामने आने के बाद क्या नैब खुद इसका नोटिस लेती है
या सुप्रीम कोर्ट अब खुद इसका नोटिस लेती है या कोई पाकिस्तानी शहरी या कोई पाकिस्तानी एंटिटी पाकिस्तान की किसी कोर्ट में जाती है, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें ये चीज से हमें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो पनामा पेपर्स आए थे उसमें से शरीफ सामरी का एहतसाब तो हमें होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी 700-800 लोग फिर कहाँ गए? क्या शौकत अजीज का नाम भी उसी तरह उन 700-800 लोगों की फहरिस्त में गुम तो नहीं हो जाएगा? इसके अलावा वो अयाज खान ने आज साहब ये कह रहे हैं जो NICL के चेयरमैन रहे, तो ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। सियासत के भौंचाल की जो आपने बात की, मैं समझती हूँ कि शायद पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा भौंचाल सामने ना आए अगर तो यही दो नाम हैं। अगर इनके अलावा और नाम हैं, क्योंकि अभी तो आहिस्ता आहिस्ता डिटेल सामने आ रही है, अगर तो कोई बड़ा नाम और निकलता है फिर तो भौंचाल आ सकता है। लेकिन शौकत अजीज साहब पुराने वजीर आजम हैं, पुराने वजीर खजाना हैं, उनके हवाले से शायद इतना बड़ा भौंचाल ना आए। कुछ दिनों के लिए आपको और हमें जो है वो कुछ मिर्च मसाला मिल सकता है, कुछ सोशल मीडिया का पेट भर सकता है गपशप लगाने के लिए। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये मामला भी सर्द खाने के लिए चले। गरीदा हमारे साथ ही मौजूद है, आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। आसमा साहब, शौकत अजीज की जानिब से जो डिटेल्स अब सामने आ रही हैं वो ये है कि जो उनका ट्रस्ट है, जो दो ट्रस्ट हैं उनके, उनके वजीर खजाना बनने से पहले के हैं, तो जाहिर है कि इस केस की जो मुमासलत है वो मौजूदा जो इस वक्त केस चल रहा है शरीफ फैमिली का उसके साथ तो नहीं की जा सकती, चूंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके के केसेस हैं। जो शरीफ खानदान है उसकी तकरीबन पूरी जिंदगी यहीं पर गुजरी है, यहीं से उन लोगों ने पैसा कमाया है सारा, यहीं पर उन लोगों के इब्तदा में बिजनेस थे, और शौकत अजीज का जो ज्यादा टाइम है वो तो जाहिर है बाहर गुजरा है। कुछ दिन के लिए वो यहाँ पर आए, वजीर खजाना बने, प्राइम मिनिस्टर बने, अपनी जॉब पूरी करके फिर वहीं चले गए, तो इन दोनों केसेस को हमें अलग अलग तरीके से देखना होगा। मेरा ख्याल है तो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं और उन्होंने ये जो ट्रस्ट बनाया, ये देखना पड़ेगा कि उस ट्रस्ट के बनाने और वजीर खजाना और उसके बाद वजीर आजम बनने के बाद उस ट्रस्ट में कितना पैसा गया है, और ये मनी ट्रेल भी उनको जरूर देनी चाहिए कि इस दौरान जिस पीरियड में वो वजीर खजाना थे और वजीर आजम थे वो कितना पैसा उस ट्रस्ट के अंदर गया और उससे पहले कितना पैसा था। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है बड़े आराम से, इसमें तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहते हैं कि जी मैं तो सेटलर था और वो मैं आया था कुछ अर्से के लिए और मैं उसके बाद चला गया। भी आप उस कुछ अर्से में लाए गए थे, आप सिलेक्टेड थे, किसके कहने पर लाए गए, क्यों आपको अचानक रात को किसी को ख्वाब आया कि आपको वजीर आजम बनाना है और मुशर्रफ साहब जो है वो आपको IMF से उठा के या पहले आपका जो रिकॉर्ड रहा है जो भी था वहां से उठा के आपको वजीर आजम ने इधर सेनेटर बनाया गया, फिर आपको इलेक्ट करवाया गया, फिर आपको वजीर आजम बनाया गया, फिर कोई वजह तो होगी ना, कोई सुरखाब के पर तो होंगे कि जो लगे हुए थे। और फिर आप भी पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं तो आपका भी उसी तरह से उनका एहतसाब करना है, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था और एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो थी उनको लेके आई थी, लिहाजा शायद इसके ऊपर मिट्टी पाव वाला काम हो के चले छोड़े थी मिट्टी पाए। तो ये चीजें पाकिस्तान के अंदर होती रही है, जहां जहां पावरफुल जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर किस्म के लोग आते हैं उनका नाम आता है, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम आता है तो सब चीजें साफ हो जाती हैं, कुछ लॉन्ड्रियां यहाँ भी काम कर रही हैं। तो ठीक है, नवाज शरीफ साहब का तो जरूर एहतसाब होना चाहिए और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबका इनको भी बुलाना चाहिए, ये भी साबिक वजीर आजम रहे। जहां तक ट्रस्टी का मसला रहा है, मरियम साहिबा के स्टेटमेंट, तो फिर हम पनामा पेपर्स पे जाएंगे, उनके स्टेटमेंट क्योंकि बहुत वेरी करते थे लिहाजा वो एक मसला और बन गया, फिर उनके बच्चों के इंटरव्यूज एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे, फिर उनकी बेगम साहिबा का इंटरव्यू एक नहीं मिलता था जो कि उनने पहले से किया, तो मुख्तलिफ तजादात थे। और ये कहना कि पाकिस्तान से उनका पैसा नहीं गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी का जवाब इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और जो न्याय है वो ढूंढ रही है और पाकिस्तान की अदालतें ढूंढ रही है कि यहाँ से पैसा गया कहाँ कैसे था। दूसरी बात जो कि पनामा पेपर्स और इसके बाद पैराडाइज पेपर्स की है, अब ये पैराडाइज पेपर्स के ऊपर कितने लोग जाएंगे दुनिया भर के अंदर और किस तरह का बॉम्ब, इसको हम बिल्कुल अभी जाहिर है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ये ब्रेक भी हुए हैं और करोड़ों कागज आ जाते हैं, 5-6 महीनों में करोड़ों कागज पड़े भी जाते हैं और उसके ऊपर तो बहुत सारे सवाल आते हैं, जो कि हमारी अपनी जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है इंटरनेशनल जो कि ये काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है और तफसीलात भी आना बाकी है, लिहाजा देखना पड़ेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। पनामा के अंदर भी जो ऊंट रहा वो पाकिस्तान के अंदर ही रहा और क्या इसका जो फोकस है वो पाकिस्तान तक रहेगा या पाकिस्तान की जो दूसरे जो ममालिक है दुनिया के वहां तक जाएगा और खास करके क्या सऊदी अरब में भी जाएगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहां पे हो चुकी है और करप्शन के ऊपर बहुत सारे जो है वो फारिग भी हुए हैं,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स की, और ये इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि क्या है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक बात दरबार जो है वो अहम है, और वो ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं और आम इंतखाबात होने हैं, और इंतखाबात जो है वो होंगे सितंबर या अगस्त के अंदर पाकिस्तान में 2018 के अंदर। उससे पहले पहले ये पानामा का पेपर जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट वाइंड अप करेगी, और वाइंड अप यूं करेगी कि उसमें साबिक वजीर आजम का जो नाम है उनके मामले पे सुप्रीम कोर्ट जो निगरानी कर रही है वो अपना हतमी फैसला देगी, और फिर जाहिर है कि ये चीजें अनफोल्ड होंगी और वो इलेक्शन तक लेके जाएंगी अगर इलेक्शन जो है कोई और मसला नहीं होता उसके अंदर। तो लिहाजा पाकिस्तान के एतबार से तो हर तरीके से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पानामा भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अभी ये जो मामला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले खबरें मैंने पढ़ी उसमें यह था कि बरतानिया ने ऑफशोर कंपनी के मुतालिक जो तफसीलात देने से इनकार किया है मियाँ साहब के और उनके खानदान की। अलबत्ता मेरी नजर से ये खबर भी गुजरी है कि सऊदी अरब और दुबई जो है वो मियाँ साहब और उनके खानदान के हवाले से जो तफसीलात हैं वो देने को तैयार हैं और वो किसी भी वक्त मुहैया कर देंगे एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बहुत सारी चीजें जो है वो समझ में आती हैं कि अब जो ये पॉलिटिक्स है ये किस नौयत की और क्या इसका इंटरनेशनल कोई लिंक भी बनता है कि नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में नेचुरली ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये सारी चीजें सामने आएंगी और सबूत भी लाने पड़ेंगे, खुद मियां शरीफ फैमिली को भी देने हैं लेकिन उसके साथ साथ नैब को भी अपने सबूत जो है वो ढूंढ के निकालने हैं। तो ये भी एक मजेदार टर्न आएगा पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो पराशर साहब, अभी जो एहतसाब पनामा पेपर्स के हवाले से चल रहा है उसी में जो हुकूमती वुज़रा हैं और जो हुकूमती मुशीर हैं वो तो ये कहते हैं कि बड़ा तेजी से ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान में इतने तेज ट्रायल की कभी तारीख नहीं मिलती, लेकिन अब अगले एक साल से भी कम वक्त रह गया इलेक्शन में, अगले साल इलेक्शन होने हैं, उससे पहले पनामा पेपर्स को तो निपटाना है ही, अब ये पैराडाइज पेपर्स भी सामने आ गए हैं, तो एहतसाब के अमल को तो मजीद तेज करना पड़ेगा, जबकि जो अभी ये अमल चल रहा है उसी वही हुकूमत को तेज लग रहा है हुकूमती लोगों को। पराचा साहब आपको आवाज आ रही है? पराचा साहब से हमारा रابطہ शायद मुनक़ता हो गया। गरीदा फारूकी की तरफ चलते हैं। गरीदा आप ये बताइएगा कि यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि जो इस वक्त एहतसाब का अमल चल रहा है, हम अक्सर सुनते हैं कि तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब कहते हैं कि बहुत तेजी से अमल चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हेयरिंग्स हो रही हैं और माजी में ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन अभी जिस तरह आसमा बात कर रही थी कि एक साल से भी कम का टाइम रह गया अब इलेक्शन में और इलेक्शन से पहले पहले पनामा पेपर्स का फैसला भी होना है और अब ये पैराडाइज पेपर्स भी सामने आ गए, तो एहतसाब के अमल को तो और तेज करने की जरूरत है इस वक्त। देखें, उस दिन नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत के सामने पेश हुए हैं तो उन्होंने खुद भी कहा है कि हम चाहते हैं कि रेफरेंसेस का फैसला जो है इलेक्शन से पहले पहले हो जाए। तो जब नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं तो फिर तो नून लीग के किसी और बंदे को कहने की जरूरत ही नहीं है या उनको कोई शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे मामले में बहुत तेजी दिखाई जा रही है। फिर तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने जैसा कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो वो अच्छा है, इलेक्शन से पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ वो दो दो तीन तीन हेयरिंग्स में पेश भी तो नहीं हो रहे, उनकी गैर मौजूदगी में हेयरिंग्स हो रही है और फिर वो आगे ये भी कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द फैसला हो। बिल्कुल ठीक है आपकी बात कि वो जैसे इसहाक डार साहब है वो पेश नहीं होते, लेकिन इसके लिए फिर नैब का कानून मौजूद है कि या तो एब्सेंशिया में ट्रायल हो सकता है या एब्सेंशिया में कन्विक्शन भी हो सकती है, तो उसके लिए पेशी कोई खास जरूरी भी नहीं है। अगर नहीं पेश होंगे, जैसे इसहाक डार साहब पेश नहीं हो रहे हैं, हसन हुसैन नवाज साहब पेश नहीं हो रहे हैं, तो फिर ट्रायल और कन्विक्शन एंड एब्सेंशिया नैब आगे लेके चल जाएगी। इस पर कोई माहिर कानून हो तो मजीद वो बता भी सकता है, लेकिन जो आपने बात की उसका जवाब यही है कि नवाज शरीफ साहब खुद भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये मामला खत्म हो जाए ताकि अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो उनके लिए इलेक्शन में जाना आसान हो जाएगा, और अगर क्लियर नहीं होते तो फिर वो विक्टिम कार्ड को प्ले करते हुए एक सिंपथी वोट हासिल करने का नून लीग के वोटर से कोशिश करेंगे जो कि उनके फायदे में भी जा सकता है। बहरहाल मैं समझती हूँ कि ये जो पैराडाइज पेपर्स आए हैं इनका इस वक्त मरकज अमेरिका, बरतानिया और रशिया की सियासत से है, यूरोप एंड अमेरिका की सियासत से ज्यादा है। पिछले पनामा पेपर्स में तो बड़ा भौंचाल पाकिस्तान की सियासत में आया था, इससे बड़ा भौंचाल पैराडाइज पेपर्स से अब अमेरिका की सियासत में आएगा, क्योंकि ट्रंप के 13 करीबी साथियों का जो है जिसमें वहां के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन शामिल हैं, और आप देखें कि ट्रंप इस वक्त मौजूद हैं पैसिफिक एशिया के टूर पे, तो वहां से इस किस्म की खबर सामने आना, ये अगर आप कनेक्ट करेंगे डॉट्स को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिकन सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट
फिर इनडायरेक्टली पाकिस्तान की सियासत पे पड़ सकता है। तो ये चीज आप ना भूलें। तो खासतौर पर सऊदी अरब में जिस तरह आज सवेरे खबर आई है कि करप्शन पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और उसका ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सियासत पे कोई फर्क ना पड़े। जरूर पड़ेगा। उधर कनेडियन वजीर आजम, उनके भी करीबी साथी पर ये इल्जाम आ गया है, ऑफशोर, उनका नाम पैराडाइज पेपर्स में आ गया है, क्वीन एलिजाबेथ के हवाले से आ गया है। और जैसे कि अभी हम आज सुन रहे थे खबर कि बरतानिया ने नैब के साथ तआवुन करने से इनकार कर दिया है और तफसीलात देने से इनकार कर दिया है। और बरतानिया में जो पहले नाम आए थे डेविड कैमरॉन के हवाले से, दीगर बिजनेसमैन के नाम आए थे पानामा पेपर्स में, तो उस वक्त भी क्वीन पर बहुत प्रेशर आ रहा था कि वो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए अपना प्रेशर इस्तेमाल करें और टैक्स रिफॉर्म्स की, क्योंकि उनकी एक शिक के तहत जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है या दीगर इस किस्म की बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, उसके लिए क्वीन की इजाजत लेनी जरूरी होती है, लेकिन वो क्वीन एलिजाबेथ ने इजाजत नहीं दी थी। तो अब ये भी डिबेट हो रही है कि उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ ने इन्वेस्टिगेशन की इजाजत क्यों नहीं दी थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के खिलाफ और दीगर ऐसी बेनिफिशियरी स्टेट के खिलाफ। तो शायद उसका मकसद ये तो नहीं था कि क्वीन की अपनी भी ऑफशोर कंपनियां हैं जो कि अब खुल के सामने आ गई हैं। तो पाकिस्तान से ज्यादा इन पैराडाइज पेपर्स का इंपैक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल की सियासत से पड़ेगा आने वाले दिनों में। आप खासतौर पर ट्रंप से बहुत प्रेशर डेवलप होते हुए देखेंगे, यूरोप पर काफी, खासतौर पर क्वीन एलिजाबेथ के हवाले से काफी प्रेशर सामने आएगा। शौकत अजीज साहब का जहां तक नाम है पाकिस्तान की सियासत में, मैं समझती हूँ कि शायद कोई ज्यादा प्रेशर ना डल सके, क्योंकि पानामा पेपर्स के बाकी जो 700-800 नाम हैं उनकी मिसाल हमारे सामने है। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शौकत अजीज साहब के खिलाफ भी नहीं होगी। और फिर जाहिर है वो मुशर्रफ से कनेक्टेड हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कीचड़ जो है, कहीं ना कहीं सवालात जो है, उंगलियां जो है वो मुशर्रफ साहब पर भी उठेंगी कि वो आपके करीबी साथी रहे थे। तो वो मेरा ख्याल है कि वो एक शजर ममनुआ हो जाएगा, एक ममनुआ रास्ता हो जाएगा पाकिस्तान की मीडिया के लिए भी सवाल उठाने के लिए जो आजकल के हालात हैं, और बाकी लोगों के लिए भी। तो शौकत अजीज साहब का मामला शायद इतना बड़ा हंगामा क्रिएट ना कर सके, लेकिन पैराडाइज पेपर से जो है इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ठीक है, पैराडाइज पेपर ज़ाहिर पाकिस्तान में तो शायद इतना ज़्यादा हंगामा बरपा ना कर सके नेशनली, और जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उन पर शायद अपना एक गहरा असर छोड़ सकता है। गरीदा, आसमा, आप दोनों मेरे साथ मौजूद रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे।